तो स्वागत है आपका डिटेल्स फॉर यू का और एक न्यूज एपिसोड में। दोस्तों मेरा नाम है वाशिम और आपने ट्यून किया है डिटेल्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पहला न्यूज जो निकल के सामने आ रहा है, कार्स टीवी और स्टार्स टीवी नाम से दो चैनल इंटेल से 17 यानी कि 66 डिग्री ईस्ट पर ऐड हुआ है। उसका टीपी आप पीछे देख सकते हैं। इस टीपी पर ये जो सारे चैनल है ये चल रहे हैं। और दोस्तों ये जो चैनल है ये देखने के लिए आपके पास सी बैंड का एक डिश होना चाहिए और एक सी बैंड का एलन भी होना चाहिए, तब जाके इस चैनल को आप आराम से देख सकते हैं। और दूसरा न्यूज जो निकल के सामने आ रहा है, XSS-7 यानी कि 105 डिग्री ईस्ट पर जो सैटेलाइट है उस पर एक नया चैनल ऐड हुआ है जिसका नाम है 1TV। और दोस्तों ये चैनल भी देखने के लिए आपके पास सी बैंड का डिश होना चाहिए, तब जाके ये चैनल आराम से आप देख सकते हैं। तो इसका टीपी मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ। इस टीपी पर अगर आप स्कैन करते हैं ये जो सारे चैनल है ये देख सकते हैं। और दोस्तों तीसरा न्यूज जो निकल के सामने आ रहा है वो है रहामा टीवी नाम से एक चैनल जो है नया ऐड हुआ है। निकमसेट जो सैटेलाइट है, यासेट का जो सैटेलाइट उस पोजीशन में। तो इसका टीपी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस टीपी पर अगर आप स्कैन करते हैं ये सारे चैनल आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये देखने के लिए आपके पास MPEG-4 सेटअप बॉक्स होना जरूरी है और एक क्यू बैंड का डिश हो तो चलेगा। और दोस्तों सबसे लास्ट और चौथा न्यूज़ यही है, वीवा टीवी नाम से एक टीवी एक्सप्रेस AM-7 पर ऐड हुआ है जिसका पोजीशन है 40 डिग्री ईस्ट। तो दोस्तों ये जो सैटेलाइट है ये मतलब कि सी बैंड और के यू बैंड का सैटेलाइट है। और ये जो चैनल है ये देखने के लिए आपके पास एक के यू बैंड का डिश होना चाहिए, मतलब कि के यू बैंड का डिश अगर आपके पास है। और अगर आप जो एक्सप्रेस AM-7 सेट करते हैं तो ये चैनल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस न्यूज़ आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इस चैनल पे आप अगर नए हैं और डिश से रिलेटेड न्यूज़ और सेटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आपको नजर में आएगा, उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि हम जब इस चैनल पे नया वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।